हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है आप लोग का? गुड मॉर्निंग हम इसलिए बोल रहे हैं कि समय हो रहा है 10:30। एकदम सारा काम वाम हो गया है। आज थोड़ा खाना बनने में लेट हो जाएगा, क्योंकि साफ सफाई थोड़ा ज़्यादा करने लगे थे। मतलब घर को पूरा एक ही रूम है तो पूरा एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा हर एक बहुत ज़्यादा काम होता है ना घर में, जैसा कि आप लोग को पता है। तो फाइनली हमारा सारा काम होके निपट गया है। एकदम नहा धो के एकदम फ्रेश हो गए हैं और चलिए हमारा खाना बनेगा, इडली और बादाम का चटनी। एकदम इडली जल्दी से बनने वाला खाना हमारा बनेगा, तो उसका रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इडली का। तो कमेंट करके बताइएगा जो हमारा इडली एकदम झटपट और तुरंत बनने वाला, कैसा लगा हमारा इडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड आप लोग बोलिएगा क्या जो इतना जल्दी जल्दी आप बाल में शैम्पू क्यों करते हैं? तो मेरा बाल बहुत ज़्यादा लंबा है, कभी मैं आपको अपना बाल का फूल दिखाऊंगी कितना लंबा है। बहुत लंबा है मेरा बाल, लेकिन पतला है और झड़ता भी बहुत है। इस बारिश के मौसम में तो पता नहीं क्या होता, बहुत ज़्यादा झड़ता है। तो आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बाल नहीं झड़ने का कोई सॉल्यूशन बताइएगा हमें, ताकि हमारा बाल सुरक्षित हो पाए। और बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो जाता है कि इतना झड़ता है बाल, इतना झड़ता है कि झड़ने का भी मन नहीं करता है। तो आप लोग कोई घरेलू नुस्खा बताइएगा, मार्केट वाला नहीं बताइएगा, क्योंकि मार्केट का हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो आप लोग जैसा पता है कि आपकी बिहारी गर्ल का भी उतना अच्छा नहीं है कुछ भी, तो हम मार्केट का नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हमें घरेलू नुस्खा कमेंट में बताइएगा, और प्लीज बताइएगा मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ता है, बहुत झड़ता है। तो घरेलू नुस्खा बताइएगा, हम यूज़ करके फिर हम आपको इसका रिप्लाई बताएंगे कैसा रहा हमारा बाल झड़ना, ठीक हुआ कि नहीं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इडली। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ आप लोग को फ्रेंड, कि आप लोग मेरा रेसिपी पसंद नहीं करते हैं, पर शायद कहीं आप लोग को पसंद नहीं आता होगा हमारा रेसिपी, इसलिए रेसिपी पसंद नहीं करते हैं और डेली ब्लॉग को ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आप लोग के लिए डेली ब्लॉग बनाना, लेकिन अभी मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करेंगे आप लोग के लिए, आप लोग के लिए भी और खुद अपने लिए भी कोशिश करेंगे, जो होगा हम डेली ब्लॉग में दिखाने का कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और आप लोग अभी जितना प्यार दे रहे हैं इसके लिए थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू। लेकिन और प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए अपनी इस बिहारी गर्ल को, एकदम भर भर के दवा दवा के प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, अपना साथ दीजिए, और हमारा जो वीडियो है वो पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें कुछ हो, हम कुछ कर सके अपने YT में। और कुछ मतलब मेरा एक है ना जो बस कुछ करना है, कुछ करना है, कब होगा क्या होगा कुछ पता नहीं है, बस एक मन में जिद है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बस आप लोग हमारा साथ दीजिए, और ठीक है ना, बस उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तो कुछ हो जाएगा, होगा ज़रूर होगा। हमें अब कुछ उम्मीद नज़र आ रहा है, जैसा कि अब हमारा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अभी 2-3 वीडियो से हमारा बहुत ज़्यादा उम्मीद लग गया है, और कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, इसी तरह से आप हमें प्यार और सपोर्ट देते रहिए, हम आपको इस पर डे डेली ब्लॉग बना बना के देते रहेंगे। और जो भी रेसिपी आपको देखना होगा वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, हम रेसिपी भी शेयर करेंगे। ब्लॉग है तो ब्लॉग में तो रेसिपी जाएगा ही, पर सब दिन रेसिपी जाएगा। और डेली रूटीन, जैसे हम लड़की हैं तो घर का काम करेंगे ही, और गांव में तो सारा काम, शहर वाले बहुत नखरे वाले होते हैं, हम लोग भाई गांव के हैं तो सारा काम करना ही पड़ता है, तो दिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अपना प्यार, थोड़ा सा प्यार, इतना सा प्यार दे दीजिए हमें बस, ठीक है, बस हम भी कुछ कर लेंगे आगे। और हाँ फ्रेंड, इडली का टेस्ट बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कि हमारा कम सामग्री में और झटपट से रेसिपी में इडली हमारा कैसा लगा वो भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता है हमारा वीडियो आपका,
तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। लाइक करना क्यों भूल जाते हैं? लाइक करने से कुछ होता नहीं, पैसा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा लाइक करने से। बस एक है, लाइक कीजिएगा तो हमको लगेगा कि हाँ हमारा काम अच्छा हो रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए इडली बनाना करते हैं स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, तो बनाना है स्टार्ट करते हैं इडली। सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम कर लिए थे। कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच रिफाइन तेल डाल दिए थे, उसमें 1 चम्मच राई डाल दिए थे। राई को एकदम अच्छे से चटकने देना है, एकदम अच्छा भूनना है ताकि हमारा इडली का टेस्ट एकदम अच्छा आए। कच्चा राई नहीं रखिएगा। और इसमें डाल दिए हैं सूजी। सूजी सूजी को थोड़ा सा इसको भूनना है एकदम 5 मिनट, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, कच्चा ना रहे सूजी। चलिए इसको भून के पहले तैयार कर लेते हैं। सूजी हम भून के बड़ी वाली, मतलब थोड़ा बड़ा बर्तन में निकाल लिए हैं। अब हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक स्वाद अनुसार डालने के बाद अब डालेंगे ईनो। ये देखिए 1 चम्मच ईनो है। और दही डालेंगे, ये देखिए 1 कटोरी हमारा दही है। इसको अच्छे से घोल बना के तैयार कर लेते हैं, ना गाढ़ा ना पतला, एकदम मीडियम साइज का। यहाँ पे हमारा बादाम भुना रहा है, एकदम सूखा है, बिना तेल का सूखा भून लेना। हमारा सूजी का घोल देखिए एकदम परफेक्ट बन के तैयार है। इस तरह से आप भी ना गाढ़ा ना पतला बनाइएगा। इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए ढक के छोड़ देते हैं। इसके बाद लगेगा कि पानी का आवश्यकता है तो देंगे। एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। देखिए 15 मिनट के बाद, 15 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, हम दूसरा काम में बिजी हो गए थे। तो देखिए हमारा घोल एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। इसमें पानी का बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो फटाफट इडली बनाना करते हैं स्टार्ट। ये हमारा इडली स्टैंड है, सभी में रिफाइन तेल लगा के बिल्कुल एकदम तैयार कर लिए हैं। सभी खांचे में भर लेते हैं। यहाँ हम कुकर गैस पे डाल दिए हैं। ये देखिए कुकर में थोड़ा सा, आधा कटोरी के अंदाज पानी डाल दिए हैं, गरम होने के लिए। हो रहा है गरम। चारों इडली स्टैंड में इडली का घोल डाल के इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट बन, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा था ना रस, उसका इधर उधर हो गया। कोई बात नहीं, परफेक्ट शेप में निकलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम इसमें सेट कर देंगे ढक्कन, बिना सीटी का ढक्कन है। ये देखिए 20 मिनट तक सेट करने के बाद 20 मिनट तक इसको पकाएंगे लो फ्लेम। सारा इडली जितना घोल तैयार किए थे, सारा इडली हमारा बन के तैयार हो गया। ये देखिए हमारा इडली एकदम परफेक्ट फूला फूला, ये देखिए फूला फूला एकदम इडली बन के तैयार हो गया है। इधर हमारा चटनी भी बन के तैयार हो गया। ये देखिए चटनी को सिल पे पीसे हैं। चटनी में लहसुन और हरी मिर्च दे के नमक डाल के पीसे हैं। चलिए चटनी में तड़का लगाते हैं। यहाँ पे हम पीतल वाली कलछुल बोलते हैं इसको, हम लोग इसको गरम होने के लिए डाल देंगे, डाल दिए हैं गैस को ऑन करके एकदम मीडियम, एकदम लो फ्लेम पे। इसमें ऐड कर रहे हैं रिफाइंड ऑयल। इसको थोड़ा गरम होने देंगे, पहले इसको थोड़ा गरम होने देंगे हम। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें करी पत्ता और राई डाल के इसको अच्छे से चटकाएंगे। अच्छे से करी पत्ता राई को भून लेना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट भून लिए हैं। चलिए तड़का लगाते हैं। ये एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस टाइप का चटनी इडली के साथ। हमारा चटनी और इडली ये देखिए फटाफट झटपट बन के तैयार हो गया। तो प्लेटिंग करके हम आपको दिखा। ये देखिए हमारा इडली और चटनी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। एकदम स्पंजी इडली, स्पंजी एंड सॉफ्ट। और चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम टेस्टी यमी, हल्का नाश्ता सुबह का। बनाइए और खाइए, हमें कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाय। हमारा इडली बन के हो गया तैयार। आप लोग एकदम फटाफट से गर्मा गर्म इडली और चटनी खाइए। कमेंट करके बताइए जो कैसा बना हमारा इडली।
मैं लेती हूँ आपसे विदा, बाय। मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग को थैंक यू, बाय। फिर आऊंगी अगले दिन।